भीष्म जब शरीर छोड़ते तो भगवान की स्तुति करते, जो अच्युत है, केशव है, माधव है, जिसको यक्ष नहीं जानते, गंधर्व नहीं जानते, देवता नहीं जानते, किन्नर नहीं जानते, वो परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो प्राणी मात्र का रक्षक, पोषक, प्रेरक, अंतर्यामी, नियंता है, जो सारे शक्तियों का मूल है और सारे लोकपालों का और देवगणों का अधिष्ठान स्वरूप है, उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार भीष्म जी उत्तरायण की बाट देखते देखते जब शरीर छोड़ने की वेला आती, तो इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को भगवान के स्वरूप चिंतन में लगाकर वे महात्मा पुरुष दिव्य गति को प्राप्त होते। व्रत, उपवास, नियम मनुष्य के आनंद को, ज्ञान को, बुद्धि को शुद्ध करता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत उपवास से जीवन में दृढ़ता आएगी, संकल्प में बल आएगा, श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य स्वरूप अपने मैं को पहचान लेंगे। शरीर आपका सत्य नहीं है, शरीर छूट जाएगा। दुख सत्य नहीं है, सुख सत्य नहीं है, लेकिन दुख सुख जिससे आ आकर चले जाता है, वो चैतन्य परमात्मा तुम्हारा आत्मा सत्य है। उस सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने के लिए अमनी भाव की साधना बड़ी सरल है। अमनी भाव की साधना माना अपने मन की प्रसन्नता में, अनुकूलता में जो प्रसन्नता है, प्रतिकूलता में जो दुख आए, वहां सम हो जाओ। सावधान, ये हो गया आखिर क्या, ये मिल गया आखिर क्या, ये पा लिया आखिर क्या। तो संसार की जरा जरा सफलताओं में हर्षित हो जाना और विफलताओं में दुखी हो जाना, इससे आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। श्री कृष्ण के उस पवित्र वचनों को आप समझ लो, माम अनुस्मर युद्धस्व, मुझ चैतन्य परमात्मा का स्मरण करो, युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी मुक्ति पा सकते हैं अर्जुन। स्मृति अपने भगवत सत्ता की रखो, रजोगुणी व्यवहार संसार में भटकाएगा, तमोगुणी व्यवहार और स्वभाव नीच योनियों में ले जाएगा, सत्वगुणी स्वभाव ऊंचे लोकों में जाएगा, और सत्वगुण से भी पार छलांग मारने का अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा और उपदेश मिल जाए, तो वही अमनी भाव को प्राप्त हो गए। फिर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये सब माया के हैं, शरीर भी माया है। इस माया में जिस परमेश्वर तत्व की सत्ता है, वो मेरा सोहम स्वरूप, अविनाशी पद पाया। दुनिया का सारा वैभव एक आदमी को मिल जाए, दुखों से अंत नहीं होगा। सारी कुर्सी पद एक आदमी के अधीन हो जाए, दुखों से अंत नहीं होगा। दुखों से अंत होगा, निर्दुख नारायण में अमनी भाव की प्राप्ति। कितनी डिग्रियां ले लो, कितने पैसे इकट्ठे कर लो, कितने मित्र और सहेलियां और सखे बना लो, आखिर क्या। कबीरा, यह जग आए के बहुत से कीने, मीत जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक आत्मदेव से जिसकी सत्ता से आंख देख रही है, जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, निर्णय बदल जाते, मन के संकल्प विकल्प बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलता, उस अपने आप को थोड़ा पहचानने का संकल्प ही कर लो। और आज के दिन सूर्य नारायण का जप, सूर्य को अर्घ्य,
और सूर्य नारायण के जप से विशेष बीज मंत्र के द्वारा सूर्य नारायण का आज स्तवन हो जाए तो सारे अनिष्ट नष्ट हो जाएंगे, वर्ष भर के पुण्य लाभ प्राप्त होंगे। ये मंत्र से सूर्य नारायण को वंदना कर लेना। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। रोग और अनिष्ट का भय फिर आपको नहीं सताएगा। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम राम हा मेरे फोर बिंदी ऊपर और फिर हिरी मेरे फोर दीर्घ। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। अभी अभी जपते जाओ और सूर्य नारायण का ध्यान करो। नमन करो मन ही मन। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह को, दादाजी मनुष्य को कौन से दोष त्याग करने चाहिए, किन दोषों को बुद्धि से शिथिल करना चाहिए, कौन दोष बार बार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन हो जाना पड़ता है, बुद्धिमान पुरुष किन दोषों के बलाबल का विचार करे। भीष्म जी कहते हैं मनुष्य सत्तो गुण का संपादन करे, अगर सत्वगुण नहीं आएगा तो रजोगुण में लोभ लालच मोह चिंता आदि बढ़ जाती है, तमोगुण में भी लोभ की अति और दीनता की अति हो जाती है, मूढ़ता की। तमोगुण लोभ और दीनता और मूढ़ता दे देता है। रजोगुण भी विषय विकार की तृप्ति के लिए दीनता में ही गिरा देता है। सत्वगुण दैन्यो से पार करता है। प्रसन्न चेत सायासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। प्राणायाम से, ध्यान से, सात्विक आहार से, सात्विक ग्रंथों से सत्वगुण की वृद्धि का उपाय जानकर मनुष्य को शीघ्र सत्वगुण बढ़ा लेना चाहिए। हमको सत्वगुण बढ़ाने के समय जो लाभ हुआ और जो खजाना मिला वो बांटते बांटते इतनी उम्र हो गई अभी खुटा नहीं। 40 दिन हम एकांत में रहे, सात्विक दूध आहार जप और ध्यान, दूसरा किसी से बात वार्तालाप नहीं। ऐसे सत्वगुण में प्रभाव और ऐसे खजानों के कुंजियां आ गई हाथ में कि वो खजाने खोलते जाओ बांटते जाओ खूटता नहीं। मैं चाहता हूं कि कुछ सच्चे साधक उत्तम अगर 5, 25 अथवा 100, 200, 500 साधक ज्यादा नहीं ऐसी जगह पर उनको रखें और हम भी ऐसे ही मस्ती में रहें। अरे दाएं हाथ का खेल हो जाए, रोगों की निवृत्ति और दिव्यता की प्राप्ति दाएं हाथ का खेल। जैसे भोजन में सातत्य होने से भोजन बन जाता है, ऐसे ही साधना में सत्व में सातत्य होने से काम बन जाता है। इतनी मजूरियां कर करके जो मिला है वो तो संभाल संभाल के मर जाओ, लेकिन वहां कोई मजूरियां नहीं और जो मिलता है बिना संभाले संभला रहता है। इसलिए मैं आम सत्संग में भी कहता हूं कि 2-4 बच्चों को जन्म दिया, 2-4 मकान दुकान फैक्ट्रियां कर ली, ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है भैया। संसार के बोझ और तनाव में तनते तनते सुकड़ते सुकड़ते खिलते सुकड़ते खप जाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंद तुलसी है, ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। घट में है सारे दुखों का अंत करने वाला और परम पद
उस परमात्मा देव को नहीं जानता है और जो नहीं रहेगा छूट जाएगा उसी को पकड़ पकड़ के सुखी होने की बेवकूफी में खपा जा रहा है सारा संसार। जो पहले नहीं था और बाद में नहीं हो जाएगा उस शरीर और संबंधों के पीछे खपे जा रहा है। जो पहले था शरीर के पहले था अभी है बाद में रहेगा, जिसकी सत्ता से ही शरीर का अस्तित्व देखता है उसके लिए अगर कमर नहीं कसता है तो समझो उसके आंतरिक नेत्रों को मोतियाबिंद हो गया है। घट में है, तुलसीदास जी के वचन है, घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंदा। ये भी करुणा करके, जैसे बच्चे को बुरी आदत से बचाना है तो बच्चे के व्यर्थ जीवन से उसको मोड़ना है तो माँ बाप कठोर शब्द बोलते हैं, ऐसे ही संत तुलसीदास ने कठोर शब्द का उपयोग किया है। ये भी कृपा है उनकी, नालत दी है। जो संसार में सुख ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं उनको नालत दी है तुलसीदास ने। सच्चा सुख अपने घट में है, उसको छोड़कर बाहर जो सुखी होकर डॉलर कमा कर सुखी होंगे, मकान बना कर सुखी होंगे, ऐसा बना कर ऐसी परिस्थिति रचकर फिर सुखी बनेंगे, ऐसे सभी लोगों को संत प्रवर महान महात्मा तुलसीदास जी ने लाल बत्ती दिखाई, लाल आंख दिखाई। कह दो घट में है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया।